अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपको एक पिलो कवर बनाना सिखा रही हूँ जिसके ऊपर हम नाम लिखेंगे ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है कि जिनको आप न्यू रूम में शिफ्ट करते हैं तो वो वहाँ पे डरते हैं और उनको इंटरेस्टिंग नहीं लगता रूम तो आप उनके जो पिलोज़ हैं वो आप थोड़े से इंटरेस्टिंग बना दें उनके कमरे को थोड़ा डेकोरेट कर दें तो वो बहुत शौक से वहाँ स्टडी भी करेंगे और वहाँ पर सोएंगे भी तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं आप कोई सा भी तकिया लेके ये डबल कपड़ा है ठीक है मेरे पास इसको आप उसके ऊपर तकिया रख के उसकी लेंथ ले लें ले, ये मैंने लेंथ ले ली ले है और साथ में उसकी वर्थ भी चेक कर लें उससे आपने दो दो इंच जो है वो एक इंच दो इंच ज़्यादा रख लेना है ये एक्स्ट्रा कपड़ा होता है जो हम कवर के लिए यूज़ करते हैं तकरीबन तो छः से सात आप सिक्स सेवन सेंटीमीटर का आप यहाँ से कपड़ा काट लेंगे एक्स्ट्रा इसको आपने सिंपल कवर के लिए यूज़ करना है ये वो कपड़ा है ऑलरेडी हम आपको एक पिलो कवर हम सिखा चुके हैं तो बहुत ईजीली अगर आपको इसमें समझना आए तो उसमें भी आप देख सकते हैं तो ये आपने क्या करना है कि आपने ये कपड़ा मैंने इधर से काट लिया है और इस कपड़े को हम सिंपल अब फोल्ड करके और इसकी हम स्टिचिंग कर लेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप इस पर नाम कैसे कर सकते हैं मेंशन अब ये आप इसको अलग अलग कर लें दोनों को तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा आइडिया है ये आप ये मैंने किया कि जो है वो विड्थ भी कर ली थी तो क्योंकि वो जितनी होती है उससे आप एक इंच ज़्यादा रखिएगा ठीक है ये दो इंच ज़्यादा रख लें अब हम क्या करेंगे अब हम सबसे पहले इस कवर को जो है इस तरह थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे जो सिक्स सेंटीमीटर का कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा डाला था इसको आपने पाइपिंग कर लेनी है ठीक है थोड़ी सी इसको आप पाइपिंग कर लें और इसकी लेंथ को दोबारा मेजर कर लें कि इसकी वाकई लेंथ उतनी है कि नहीं है फिर आप इसको आ, उसके मुताबिक आप करेंगे जितनी आपने लेंथ ली थी जैसे अगर ट्वेंटी फ़ाइव थी या ट्वेंटी थी तो आ, आप उससे एक दो इंच ज़्यादा रखेंगे फिर आप दूसरा वाला पीस भी इसके ऊपर रख के और आपने साइडों से स्टिच कर देना लेकिन उससे पहले ये है कि मैं जो पहला कवर है उस उसके ऊपर आपको नाम लिखना सिखाऊंगी थोड़ा सा डेकोरेट करना सिखाऊंगी तो ये मेरे पास बुकरम है और उसके ऊपर मैंने अल्फ़ाबेट्स काट लिए अल्फाबेट सिंपल आप आ, आ, ट्रेस कर लें बुक्रम के ऊपर ठीक है ये देखिए मैंने ए लिखा हुआ है अब बच्ची का नाम जो है वो मनाहिल है अब कोई भी एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं तो बुक्रम के ऊपर रख के आपने अच्छे से उसको प्रेस कर देना है और प्रेस करने के बाद आपने उसकी कटिंग कर लेनी है ठीक है ये देखिए जिस तरह मेरे पास एक रेड चेक का कुछ पीसेस पड़े थे तो मैं आ, नाम लिखने के लिए मैंने बकरम पे ए जो है वो मैंशन किया है और ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये आप लैपटॉप से सर्च में लिख के और आप कंप्यूटर पेज के ऊपर आप इनको ड्रा कर लें एक जैसे अल्फ़ाबेट्स हों ताकि लगे तो बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे आप वहां से ट्रेस कर सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स अब आपने इसकी कटिंग कर लेनी है ठीक है जो आपके पास अल्फ़ाबेट है अल्फ़ाबेट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्लीज़ बिल्कुल एक जैसे अल्फ़ाबेट्स लीजिएगा बहुत इजीली आपको लैपटॉप पे आप लिखेंगे अल्फाबेट्स ड्राइंग तो वो बहुत इजीली मिल जाएगा कंप्यूटर पेज उसके ऊपर रख के और आप उसको ड्रा कर लें और फिर आप बुक्रम के ऊपर लगाएँ ये देखें ये मेरा ए जो है वो तैयार हो गया है ठीक है इसी तरह आप अपने और अल्फ़ाबेट्स भी तैयार कर लें मैं ऑलरेडी तैयार कर चुकी हूँ काफ़ी सारे ठीक है मनाहिल मैंने लिखना है इसके ऊपर चाहे तो डिफरेंट कपड़ा यूज़ कर लें चाहे तो एक कपड़ा यूज़ कर लें आपकी मर्जी है ठीक है और इससे ये होगा कि ये बहुत नीट लुक आएगी अगर आप ट्रेस करके करेंगे तो इससे बहुत अच्छी लुक आएगी फ्रेंड्स अब मैंने ये जो है वो वी शेप में काटा है ऊपर मैंने कुछ डेकोरेशन करने के लिए ठीक है मैंने इसको थोड़ा सा फैंसी लुक देने के लिए मैंने ये बना लिया है बिल्कुल वैसे ही आपने करना है कि आपने कोई भी शेप ले लेनी ले है आप बटरफ्लाइज लगा सकते हैं आप जो है वो बैलून्स बना सकते हैं और बहुत इजीली वे में बना सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप कंप्यूटर पे लिख के गूगल पे लिख के आप उसको ट्रेस कर लें वहाँ से और फिर आप ड्रॉ कर लें और एक जैसे अल्फाबेट्स बहुत ईजिली मिल जाएंगे ये देखें मैंने बकरम से इसको इस तरह बहुत से बना लिए मैंने डिफरेंट कपड़ा यूज़ किया है आप भी डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हैं और सेम भी यूज़ कर सकते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत सा एक पिलो तैयार हो जाएगा स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि अपने बेड पे नहीं सोते तो वो फिर ये है कि अपना नाम वगैरह देखेंगे अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे तो वो मस्ट जो है वो उनको शौक़ होगा वहाँ पर जो है वो सोने का तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप पहले आप सारा सेट कर लें ठीक है उसके बाद अब हमने क्या करना है कि पहले तो आप इसको प्रेस करके इनकी जगहों पे एक पॉइंट्स लगा लें ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं ठीक है सेट करने के बाद अब हमने क्या करना है कि अब हमने पिंस लगा लेनी है और पिंस लगाने के बाद हम इनकी स्टिचिंग कर लेंगे ये फ्रेंड्स मैंने सेट कर लिया है पेंसिल लग गई हैं अब आपने इसको स्टिच कर लेना है स्टिच आपने ऐसे करना है कि देखें सारे अल्फ़ाबेट्स को आपने ऊपर फिरकी फिरकी का कलर तो जो है वो ब्लू ही होगा ऊपर आप कलर चेंज कर लीजिएगा और चाहे तो ब्लैक से कर सकते हैं वाइट से कर सकते हैं अगर आपको इतना मैटर नहीं करता अगर बहुत नीट लुक देना चाहते हैं तो कलर जो है वही रखें जो कि इसमें है पहले आपने पूरा अल्फ़ाबेट ड्रॉ करना है ऊपर ही हम इसको कर रहे हैं ठीक है और उसके बाद आपने क्या करना है कि लेंथ में भी एक लाइन में इनको सेट कर लेना इस तरह मैं सारे अल्फाबेट्स को जोड़ दूंगी आपने जो ऊपर वाला है इसको आप रूलर से एक दफा देख लीजिए कि लेंथ जो है वो सेम आए फिर आपने इनको भी इस तरह डबल डबल सिलाई देके कर लेना है ठीक है फिर आप ये देखें आपको नज़र आ रही होगी लंबाई में भी जो है वो एक स्टिचिंग लगाइएगा आप ये देखें मैंने इसकी पाइपिंग कर ली थी फिर मैंने साइडों से सी लिया था तकिए को मैंने अब सी लिया है तो मैंने आपको स्टिचिंग ऑलरेडी सिखा चुकी तो वो मैं आपको नहीं दिखाया दिखाई इसलिए मैंने आपको ठीक है चारों साइडों से आपने सी लिया और अंदर आपने पाइपिंग कर ली थी इस तरह हमारा पिलो तैयार हो गया इसको अच्छे से प्रेस करके और आप इसे यूज़ कर सकते हैं आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी आइडिया अच्छा होगा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं बैलून्स बना सकते हैं बटरफ्लाइज बना सकते हैं स्टार्स बना सकते हैं आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैं वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो में